बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेटवर्क प्लस की क्लास में आज हम नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास प्रिंटर शेयरिंग। प्रिंटर शेयरिंग, हम लोग प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं थ्रू लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क से बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आती है, स्टोरी करनी नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा नहीं समझने की कोशिश कर लें। आपके पास एक लेन है, लेन के आपके पास एक स्विच है, यहाँ पे कंसीडर कर लिए स्विच है, स्विच नहीं ये एक रेक्टेंगल है, आप लोग कंसीडर कर लिए आपके पास स्विच है। स्विच आपके पास पीसी कनेक्ट है, एक पीसी है, दो है, तीन है, चार है, जितने भी लेन के ऊपर मैं खास मोबाइल कनेक्ट कर लिए। अच्छा ठीक ठीक सही है। माउस से लिखना इसे समझना बहुत मुश्किल, लेकिन आप लोग इन्हें समझ लें। समझे, मेरे पास इस पीसी के साथ प्रिंटर अटैच है, क्या है प्रिंटर यहाँ पे मेरे पास अटैच है यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ कि हर पीसी के पास मैं प्रिंटर नहीं रख सकता, हर पीसी के साथ मैं प्रिंटर अटैच नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट है, एकेडमी है, व्हाटएवर जो कुछ भी है, मैं कह रहा हूँ कि एक ही ऑफिस में, एक ही लैब में, एक ही इंस्टीट्यूट में मैं एक ही प्रिंटर को रखना चाहता हूँ, उसे मैं शेयर करना चाहता हूँ थ्रू नेटवर्क। साथ ही हो सकता है कोई और भी स्विच आपके पास लगी हो, एकेडमी है, दूसरी लैब है, तीसरी लैब है, अरे से हम पीसी कनेक्ट है, मैं कह रहा हूँ मैं नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क पर मैं प्रिंटर को शेयर कर लूँ, बाकी हर पीसी ने एक्सेस कर ले। कोई पीसी आप इन्हें एक्सेस करके प्रिंट दे दे, उसी एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकलेगी उसके पास। लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करना हो, इसके दो मेथड होते हैं। किस तरह से, अब इसी प्रिंटर को मैंने करना किया, फर्स्ट मेरे पास विंडोज 8 है और एक विंडोज 7 है। विंडोज 7 को मैंने वर्चुअल मशीन, वर्चुअल वर्कबॉक्स में, वर्चुअल बॉक्स में मैंने इसे इंस्टॉल किए विंडोज 7 को। अब मेरे पास जो प्रिंटर पड़ा है, प्रिंटर कहाँ पे मेरे पास, मैं कंट्रोल में आता हूँ यहाँ पे कंट्रोल पैनल में, और मेरे पास डिवाइस एंड प्रिंटर्स में मेरे पास प्रिंटर है एचपी की, कौन सी है 2015। मैं इसे ऑन भी कर लेता हूँ, ऑन है ऑलरेडी मेरे ख्याल से। प्रिंटर ऑन कर दी मैंने, अब इस प्रिंटर को शेयर करना है मैंने। शेयर कैसे करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाए, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में, लास्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, आप यहाँ प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आ जाए और आप इन्हें शेयर कर ले, शेयरिंग टैब में आ जाए। ये ऑलरेडी शेयर है मेरे पास, ऑलरेडी यहाँ पे शेयर की गई है। अब मैं इन्हें एक्सेस करना चाहता हूँ किसके थ्रू, मैंने आईपी एड्रेस के थ्रू इसे एक्सेस करना चाहता हूँ। अब मेरे पास विंडोज 8 की जो आईपी एड्रेस है वो क्या थी, विंडोज 8 की मेरे पास आईपी एड्रेस थी 200.200.200.1। अब क्या हुआ, मैंने विंडोज 7 पे आना है, विंडोज 7 से मैंने इसे एक्सेस करना है। कहाँ से, मैं आता हूँ यहाँ पे /200.200.200.1, एंटर कर लेता हूँ। वहाँ पे यूज़र पासवर्ड क्या था, यूज़र मैंने बाई दिए है और पासवर्ड भी मुझे पता होगा पासवर्ड क्या दिए है, बाई है, ठीक है, टेंशन ना ले, ओके कर ले। आप प्रिंटर को यहाँ से डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, कंट्रोल पैनल में आ जाए, कंट्रोल पैनल में डिवाइस एंड प्रिंटर्स क्लिक कर ले। अब यहाँ पे मैंने कहाँ पे ऑप्शन दी थी इसकी, ये थी, आप यहाँ पे चेक कर लेने, आप यहाँ पे इन्हें डबल क्लिक कर ले। अब देखिए प्रिंटर के पास यहाँ पे आएगी नहीं, प्रिंटर को, अब ये प्रिंटर मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक, आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। मैं इसे वापस रिमूव कर लेता हूँ, यस रिमूव कर ली। अब यहाँ के बजाय
यहाँ मेरे पास है एडा प्रिंटर, क्या है एडा प्रिंटर, एडा प्रिंटर करना है मैंने यहाँ पे एड प्रिंटर वायरलेस और ब्लूटूथ प्रिंटर, नेटवर्क के थ्रू करना है तो क्लिक कर ले, मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क, आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए और दैट योर ब्लूटूथ और वायरलेस प्रिंटर इज टर्न ऑन, आपके पास अगर आप वायरलेस प्रिंटर हो तो देन उसी से भी काम कर सकते हो, थ्रू एंड्रॉयड मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप हो, आप क्लिक कर ले इसके ऊपर। अब आपके नेटवर्क के ऊपर जितने भी शेयर्ड प्रिंटर्स होंगे, मे भी हो सकता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, एंटरप्राइज नेटवर्क में हो, ठीक है, और आपके पास वहाँ पे 10 प्रिंटर्स हो, 20 हो, 2 हो, 3 हो, सबके नामों के पास आएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे पास ये यहाँ पे टाइम ले रहा है, मैं क्या कर इसे स्टॉप कर लेता हूँ, द प्रिंटर दैट आई वॉज नॉट लिस्टेड मैंने नहीं देखी, तो मैं यहाँ पे डबल बैक स्लैश IP देता हूँ, मैनुअली इसके ऊपर काम करता हूँ। IP क्या आती है, 200.200.200.1 बैक स्लैश देता हूँ, यहाँ पे बैक स्लैश है, इसका नाम मेरे पास आ जाए, हैवलेट पैकेट HP लेजर जेट P2015 सीरीज, क्लिक करें इसके ऊपर, यहाँ पे नेक्स्ट, आप यहाँ पे से नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, सीधे डिफॉल्ट रखना चाहते हो, अब ये जो चेक यहाँ पे आ रहा है, अब चेक डिफॉल्ट के ऊपर आ जाएगा, सेट इज डिफॉल्ट प्रिंटर, यस। और एक चीज़ याद रखें, कभी भी गलती में भी काइंडली थ्रू IP ने एक्सेस ना कर ले, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने मैनुअली IP दी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ज़्यादातर वहाँ पे DHCP चलती है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि ऑटोमेटिकली IP असाइन होती है एक DHCP सर्वर के थ्रू। छोटी सी स्टोरी सुन लें, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे ने क्या किया, वहाँ पे एक प्रिंटर शेयर कर दिया, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन हुई थी वहाँ पे, विंडोज इंस्टॉलेशन करके उस बंदे ने बाद में प्रिंटर शेयर किया थ्रू IP एड्रेस, उसी लैन में उसी लोकल या नेटवर्क के जितने भी सिस्टम थे, सारे नेटवर्क के जो उनके पास IP एड्रेस है सारे DHCP के थ्रू आ रही थी। अब उसे क्या कि प्रिंटर यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, हर 24 घंटे के बाद DHCP IP को रिलीज़ कर लेती है, आप मैनुअली वहाँ पर कन्फिगर भी कर सकते हो, 2 दिन में रख सकते हो, 3 दिन में रख सकते हो, 2 घंटे में रख सकते हो, कभी आप लोगों ने चेक किया होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, 192.168.10.1 अच्छा मैंने मैनुअली IP असाइन किया, सॉरी ये DHCP मैं बाद में वहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कल को वही IP चेंज होगी, उन्होंने फिर क्या कर लिया भाई, फिर जा किसी बंदे को बुला ले, यार यहाँ पे नेटवर्क शेयरिंग नहीं हो रही है, उसने फिर आकर के IP से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली, IP के थ्रू प्रिंटर ऐड कर ली, सब में उसको 500 रुपये मिल गए। शाम को फिर वही हुआ कि 24 घंटे के बाद IP चेंज होगी, फिर उन्होंने इसको बुलाया, कई दिन इसको बुलाते रहे, हर दिन वो जाके अपनी सर्विसेज के 500 रुपये लेता रहा। उन्हीं दिनों में मैं था IT यूनिवर्सिटी में, तो किसी बंदे ने मुझे कहा कि यार मेरे दोस्त के साथ ऐसे इशू आ रहे हैं उनके ऑफिस में NGO में, काइंडली आप इन्हें चेक कर लें। जब मैं गया तो मैंने देखा, जब उन्होंने जाके जितने भी यहाँ पे वहाँ पे होते लैब सिस्टम थे, सब में ऊपर सबके ऊपर उन्होंने यहाँ पे प्रिंट क्या कि प्रिंटर के शेयर वहाँ पे शेयर की थी या एक्सेस की थी, उन्होंने किसके IP के थ्रू एक्सेस की थी। तो मैंने कहा काइंडली जब भी इसे एक्सेस करना हो तो आप लोग इसे थ्रू PC नेम एक्सेस कर लें, किसके PC नेम। अब मैं आता हूँ PC नेम क्या है मेरे पास विंडोज़ 8 में PC नेम मैं चेक करता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज CCIE A। अब सेम ये सीन हुआ वहाँ पे, मुझे याद नहीं कि उसका कंप्यूटर नेम क्या था, मैंने आ करके चाहे आप रन से जाएं या आप एड प्रिंटर से जाएं, ठीक, उसको मैंने PC नेम से एक्सेस कर लिया, क्योंकि PC नेम जब तक आप इंस्टॉलेशन नहीं करते PC नेम चेंज नहीं होगा। डबल बैक स्लैश CCIE A, आप एक बार वंस अगेन बैक स्लैश दे दे तो प्रिंटर नेम यहाँ पे चेक कर ले, शायद से यहाँ पे वो मांगे, इंटर कर ले, या मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वापस रन में आ जाए, यहाँ पे डबल बैक स्लैश CCIE A
एंटर कर ले। यूज़र क्या था? बाय। और पासवर्ड क्या था मेरे पास? वो भी बाय था। अब यहाँ से एक्सेस कर, डबल क्लिक कर ले। अब ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ किसके थ्रू? CCIE। पहले आईपी एड्रेस आ रही थी, मैं वापस यहाँ पे से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से करना हो तो एड प्रिंटर कर ले, एड प्रिंटर वायरलेस और ब्लूटूथ प्रिंटर। मैं इसे स्टॉप कर देता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो मैं डबल बैक, यहाँ देखे आप कहाँ देख रहे हो, डबल बैक स्लेश CCIE ए बैक स्लेश लगा ले। अब यहाँ पे HP के जो भी प्रिंटर के पास आ रहे हैं, अब इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट वेट करके हमें देखे नेक्स्ट फिनिश कर लिया। कोई भी लैंग के ऊपर प्रिंटर इंस्टॉल करना हो तो काइंडली कोशिश करें, क्या करें, PC नेम से नहीं जाके एक्सेस कर लें। जब भी एक्सेस करनी हो IP के थ्रू करोगे, मे भी हो सकता है वो मेनुअली ना हो, DCP हो, तो DCP मैंने कहा वहाँ भी क्या उसके पास टाइम कम होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ यू कर लेता हूँ कि जो स्टेटिक IP मैंने दी थी, स्टेटिक IP हटा करके मैं आपको DSL के ऊपर दिखाता हूँ इन्हें। स्टेटिक IP कहाँ पे मेरे पास 200 की थी, इसे मैं ख़त्म करके अब मेरे पास नेट की कनेक्टिविटी आ जाएगी। अब चेक करवाता हूँ हम लोगों को, एंटर करें इसके ऊपर, ठीक, लॉगिन, लॉगिन कर लेने। यहाँ पे सिर्फ इसकी टाइम बताता हूँ कि DCP की टाइमिंग जो होती है एडवांस सेटअप में, लैन में मेरे पास DCP कहाँ, ये लीज टाइम कितनी है 24 hours। 24 घंटे के बाद ये IP ऑटोमेटिकली चेंज होती है क्योंकि DCP यहाँ पे इनेबल है हमारे पास। तो कोशिश कर ले। अब उस बंदे ने क्या की लास्ट में, उसकी मैंने स्टोरी से वहाँ पर नहीं सुनाई। जब ये कन्फिगेशन मैंने कर ली तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा बिल्कुल अपसेट हो गया नेटवर्क। मैंने कहा वो बंदा तो पी नहीं है, कहते उस बंदे ने कॉल की थी दूसरे ने तीसरे दिन कि आप लोगों ने मुझे कॉल की थी, खैर था, बुलाया था उन्होंने, कहा नहीं, कहते नेटवर्क चल रहा है, कहते जी चल रहा है नेटवर्क। उस बेचारे का फिर यही इरादा हुआ था कि एक बार फिर जाऊँ, कोई 500 रुपये और मिले, ठीक, किसी को धोखा नहीं दे मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अस्सलाम वालेकुम।